हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ जो फंडामेंटल लेवल के जो डाउट्स आ रहे हैं पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्सेज को लेकर के। जितने स्टूडेंट्स हमको क्वेरीज कर रहे हैं कॉल्स या ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू, वो सारे हम लोग ने सॉर्ट आउट किए हैं और वो सारे डाउट्स मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग पेन ड्राइव कोर्स या जी ड्राइव कोर्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं या जो जो यहाँ पर हमारे टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं इस कोर्स के, वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर डाउट आता है कि भाई पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स है क्या। सो पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि पेन ड्राइव में हम आपको, अगर पेन ड्राइव की बात करें सबसे पहले, तो पेन ड्राइव में क्या किया जाएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके ब्रांच में, चाहे मैकेनिकल के हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग के हो, तो यहाँ पर आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो वीडियोस हैं वो एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके दे दिए जाते हैं, उसमें आपको कॉपी करके दे दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका जी ड्राइव कोर्स है उसमें भी आपके पास वीडियोज होते हैं, बट यहाँ वीडियोज आपके पास जो है वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होते। आपको क्या करना होता है, आपको लिंक्स दी जाती है, जी ड्राइव लिंक जो है वो दी जाती है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो फिर वहां से आपके पास जो वो वीडियो वो डाउनलोड होगा, देन उसके बाद आप उस वीडियो को प्ले कर पाओगे। अब दोनों में, चाहे जी ड्राइव कोर्स हो चाहे पेन ड्राइव कोर्स हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज गेट अकेडमी वीडियो प्लेयर। ओके, गेट अकेडमी का जो वीडियो प्लेयर है ये दोनों में कॉमन है। क्या होगा, आपके पास अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में क्या है, आपके पास वीडियोज हैं और इस वीडियो को आप डायरेक्टली गेट अकेडमी वीडियो प्लेयर में प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर जी ड्राइव कोर्स है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पीसी में या फिर टैबलेट में इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आप लोग यूज करोगे किसका, गेट अकेडमी वीडियो प्लेयर का, उसके बाद ये वीडियो प्ले हो पाएगा। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसमें प्ले हो पाएगा, भाई ये जो वीडियोस है इसको हम लोग इंक्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि इसे जो है किसी भी जगह कॉपी या उसका कोई मिसयूज ना किया जा सके वीडियोस का। तो अगर आपने अपने जो भी वीडियो खरीदा है, जो भी सब्जेक्ट आपने परचेस किया है या फिर जो भी ब्रांच आपने परचेस किया, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, तो सारे वीडियो आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलते हैं, दैट्स वाई आप उसको सिर्फ इस प्लेयर में प्ले कर पाते हो। ओके, तो ये बेसिक चीज थी पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स के बारे में। अब पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स में अगर छोटा सा कंपैरिजन करें तो कहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कि पेन ड्राइव में आपको वीडियोस प्रीलोडेड मिलते हैं, बस आपको क्या करना होता है, इसको प्लेयर में आपको प्ले करना होता है, प्लेयर भी जो है वो आपके पेन ड्राइव में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जी ड्राइव में क्या है, जी ड्राइव में आपको यहाँ पर ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटरनेट। ओके, इंटरनेट चाहिए और साथ ही साथ आपके पास जो डेटा है जो आपको डाउनलोड करना है, सपोज आपने पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट परचेस किया हुआ है मैकेनिकल एंड सिविल का, तो आपके पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो आपको डाउनलोड करने होंगे। तो आपको यह एश्योर करना होगा, अगर आप जी ड्राइव कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है, आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली बिना टाइम वेस्ट किए जो अपने कोर्सेस है, जो वीडियोस है, उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो पहला पॉइंट होता है पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स के बारे में। अब सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी तो मैंने बता दी, अब सिमिलैरिटी क्या है, देखिए चाहे आप पेन ड्राइव कोर्स खरीदेंगे मैकेनिकल या सिविल का, चाहे आप जी ड्राइव कोर्स खरीदेंगे मैकेनिकल सिविल का, दोनों में आप लोगों को जो मटेरियल्स हैं जो उसके साथ आने हैं वो मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल कि पेन ड्राइव या जी ड्राइव कोर्स खरीदते हैं, पीडीजीडी अगर आप खरीदते हैं, आप पेन ड्राइव कोर्स खरीदते हैं या फिर जी ड्राइव कोर्स खरीदते हैं आप मैकेनिकल का, तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपके बैग्स में क्या मिलने वाला है आपको, आपको यहाँ पर जो बुक्स हैं, यहाँ पर मैथ की बुक है, ओके, एप्टीट्यूड की बुक है, देन जो आपकी गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो दो वॉल्यूम में हमने लॉन्च किया अभी, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, ये दोनों आपको यहाँ पर साथ में मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको, आप अगर आप सिविल की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वहां पर अभी आपको पेन ड्राइव कोर्स लीजिए आप, चाहे आप जी ड्राइव कोर्स खरीदिए, आपको मैथ की बुक मिलने वाली है और आपको एप्टीट्यूड की बुक मिलने वाली है। बट यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर जो जो सिविल इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर की बुक्स है वो हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस पैकेज में। कारण ये कि सिविल इंजीनियरिंग की जो बुक है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पर हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। ओके, तो हम चाहते अगर यहाँ पर तो आपको प्रोवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पर हमारा जो हमारी जो टीम की एक सेटिस्फैक्शन लेवल की बात होती कि हम अपने तरफ से अश्योर्ड हो कि जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को वो बेस्ट है पूरे मार्केट में। आप कहीं से भी कंपेयर करो तो आपको यही लगना चाहिए कि ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है।
ओके ये फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर और वर्कआउट कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिले। जैसा कि मैकेनिकल की बुक है, मैकेनिकल बुक में हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे, उसके बाद जब हम लोग एकदम एश्योर हो गए कि अब ये बुक रेडी है मार्केट में लॉन्च करने की के लिए, तो हमने उस बुक को तब जा करके लॉन्च किया। बहुत बार प्रूफ रीडिंग हुई, कई स्टेजेस से होकर के गुजरी, उसके बाद मैकेनिकल की जो गेट की प्रीवियस ईयर बुक है वो लॉन्च हुई। बट अभी भी हम लोग जब सिविल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो है हमारा, जो हम चाहते हैं कि आपको फील हो उस बुक को पढ़ने के बाद, वो हमको लग रहा है कि अभी उस पर और वर्कआउट करने की नीड है। तो अभी फिलहाल जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें गेट की प्रीवियस ईयर की बुक जो है ये हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। खास करके जो वन ईयर कोर्स ले रहे हैं, यानी कि जैसे कि अभी आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं, दो लोग पेन ड्राइव कोर्स खरीद रहे होंगे यहाँ पर, एक तो जो गेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, और एक जो गेट 2021 की तैयारी कर रहा है। जो गेट 2020 की तैयारी कर रहा है वो वन ईयर का पैकेज लेगा, जो गेट 2021 की तैयारी कर रहा है वो टू ईयर का पैकेज लेगा। ओके, तो जो वन ईयर का पैकेज ले रहा है, ठीक है, उसको जब पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स डिलीवर होगा तो उसमें हम लोग यहाँ प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं कि अब आपको ये जो बुक है गेट की वो मिलेगी। बट क्योंकि वर्कआउट चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग की बुक पे, अच्छा वर्कआउट चल रहा है, तो जो टू इयर्स का जिसने पैकेज लिया, यानी कि जो गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहा है, उस स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं कि 70-80% चांस है कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे बुक। उसको बिल्कुल उस चीज़ के लिए एश्योर्ड रखना है, ठीक है, कि उसको बुक मिल सकती है। यहाँ पर एकदम गारंटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी भी हम लोग उस वर्कआउट वाले जो फेज़ है उससे हम लोग गुजर रहे हैं। चीज़ें अभी भी हम लोग उस लेवल पे प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को फीलिंग आनी चाहिए कि सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रांग है। पढ़ने के बाद आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके अराउंड आपके दोस्त हैं मैकेनिकल सिविल वाले, आप मैकेनिकल वाले दोस्त हैं, इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त हैं, तो आप देखिएगा, उनसे पूछेगा कि जो कंटेंट गेट अकेडमी की बुक्स में होता है उसका स्टाइल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये आप देखेंगे कि हम लोग जिस तरीके से वर्कआउट किए अभी तक के मार्केट में, जो भी आपको डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, उन किसी भी बुक में उस तरीके से कोई स्कोप नहीं रखा गया स्टूडेंट के लिए। कोई वहाँ पर ऐसा कुछ रखा नहीं गया कि आपको कुछ डिफरेंट लगे या पढ़ने के बाद आपको कुछ लगे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी सीखा। तो इस चीज़ का हम लोग स्पेशल केयर करते हैं जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट बुक लिखते हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लिखते हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो जो टू ईयर्स की जो जिन्होंने कोर्स लिया है गेट गाइडिंग का, पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स, उसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 80% चांस है कि हम लोग उसको बुक दे पाएंगे, ठीक है। अब बुक उनको कैसे मिलेगी, देखिए, जिन्होंने यहाँ पर टू ईयर्स का कोर्स खरीदा है, किसने, सिविल इंजीनियरिंग वालों ने, ठीक है। जो भी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिन्होंने टू ईयर का पैकेज लिया है, वो अपना जो क्वेरीज है उसको ड्रॉप कर सकता है। उनके जो भी डेटा है वो हमारे पास है, हमको पता है कि किन किन लोगों ने टू ईयर्स का जो कोर्स है वो लिया हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर हमारी बुक मार्केट में लॉन्च होती है, अगर कॉमर्शियली हम उसको लॉन्च करते हैं, डेफिनेटली जो उनके एड्रेस है उन पर हम हमारी तरफ से बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर कर देंगे, उनको जो बुक है वो मिल जाएगी। सो प्रीवियस ईयर बुक्स के लिए यहाँ पर आपको वरी नहीं करना पड़ेगा इन केस अगर आपकी बुक मार्केट में लॉन्च होती है, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग, जैसे कि अभी बुक लॉन्च हुई थी मैकेनिकल की प्रीवियस ईयर बुक, तो कई लोगों ने वहाँ पर प्री बुकिंग किया बुक का, ठीक है। बुक कई लोगों को डिलीवर भी हो गई है और नो डाउट पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं उसको देख करके, क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी जो बुक्स हैं मार्केट में वो तो सब एक वॉल्यूम में पतली सी बुक निकालते हैं, लेकिन हमारे पास जो बुक है दो वॉल्यूम में है। तो बेसिकली इसका कंटेंट जो है यहाँ से ही समझ आता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसे प्रोवाइड किया गया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर ख्याल रखी गई है। अब मान लीजिए किसी ने ये बुक परचेस कर लिया है एंड साथ साथ उसने मैथ एंड एफटी की बुक भी परचेस कर लिया है, तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लग रहा होगा कि भाई मैंने तो ऑलरेडी ये बुक परचेस कर ली है, तो उनको ये लग रहा है, उनको ये डाउट आ रहा है कि ये बुक का कॉस्ट क्या मैं रिड्यूस करवा सकता हूँ। देखिए, तो अगर आपने पेन ड्राइव कोर्स परचेस कर लिया और आपको बाद में पता चला कि पेन ड्राइव कोर्स में ऑलरेडी ये चार बुक्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको ये नहीं फील करना है कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो गया। इनकेस अगर आपने चार बुक खरीदी है, यानी कि चारों बुक मैथ की, एप्टिक की एंड प्रीवियस ईयर की, अगर आप चारों बुक खरीदे हैं, तो आप हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मेरी ये पर्टिकुलर कस्टमर आईडी है, मैंने ये जो पैकेज है वो लिया था प्रीवियसली बुक्स का जिसमें ये चार बुक्स हैं। आप जैसे ही ये चीज़ बताएंगे तो हमारी जो टीम है यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए कूपन कोड देगी। वो उस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स की प्राइस है, जो आपको प्राइस पड़ रही है बास्केट में ऐड करने के बाद, उसमें कुछ प्राइस जो कुछ कॉस्ट जो है वो कट कर सकते, कुछ कर कॉस्ट कट कर सकते हैं वहाँ पर आप लोग, कुछ सेविंग कर सकते हैं वहाँ पर आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग को वरी नहीं करना है। बट हाँ, जैसे कि लेटर से आपने सिर्फ मैथ्स की बुक खरीदी है या फिर आपने सिर्फ एप्टीट्यूड की बुक खरीदी है, तो उस केस में अगर आप ऐसा बोलेंगे कि सर मैंने मैथमेटिक्स की बुक ऑलरेडी खरीद ली है, इसकी प्राइस इतनी कुछ है और मुझे ये प्राइस डिडक्ट कराना है, तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा। बट अगर आपने कोई भी दो बुक खरीदी है या आपने पूरा पैकेज, चारों बुक्स का पैकेज लिया हुआ है, तो हमारी टेक्निकल टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपको कुछ कूपन कोड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके हेल्प से आप अपनी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जो पैकेज है उसकी जो भी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट आपको एट दैट टाइम पड़ रही है, उसमें कूपन कोड्स के थ्रू आपको एक डेफिनेट, एक फिक्स डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बेसिक लेवल की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद कई लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जो हम लोग वर्कबुक प्रोवाइड करने वाले हैं पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स के साथ, क्या हम इन वर्कबुक्स को अलग से परचेस कर सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वर्कबुक हम लोग पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वर्कबुक स्पेशली डिज़ाइन है हमारे कोर्स के कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर आप उसको परचेस करना चाह भी रहे हैं, तो मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको परचेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हम लोग अलग से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक सप्लीमेंट है हमारे कोर्स का, ठीक है। जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है उसका सप्लीमेंट है, आप इसे अलग से परचेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको, अगर मान लीजिए आपको ये दिया भी जाए, अगर इनकेस वैसे तो देना पॉसिबल नहीं है, बट अगर दिया भी जाए तो आप इसका उतना इफेक्टिव यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स जब तक होगा नहीं, आपके पास उस पर्टिकुलर फैकल्टी के वीडियोस नहीं होंगे, तब तक आप उस नोट्स का, उस वर्कबुक का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। ओके, अब यहां पर कुछ लोगों को डाउट है कि किस तरह की डिवाइस ये, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर कैसा होना चाहिए मेरे सिस्टम का, जिससे मैं अपने पेन ड्राइव कोर्स के हो या जी ड्राइव कोर्स को एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, देखिए ऐसी कुछ लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ, आज की डेट में जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि कुछ हाई स्पीड डिवाइसेस होनी चाहिए, अच्छे प्रोसेसर हो, ठीक ठाक अगर आपके पास एक डिवाइस है, कोई चाहे वो पीसी हो चाहे लैपटॉप हो, तो आप वहाँ पर इसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। बट एकदम कोई आउटडेटेड अगर आपके पास सिस्टम है, तो मे भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम फील करने को मिले, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन केस अगर आपके पास कोई आउटडेटेड डिवाइस है, बट अगर आपके पास ठीक ठाक डिवाइस है, कोई नॉर्मल एक एवरेज लेवल की भी डिवाइस अगर आपके पास है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो यहाँ पर हमने अभी तक तो फील नहीं किया कि इस तरह की प्रॉब्लम आई हो। यानी कि किसी के पास अगर अच्छा हार्डवेयर है उसके सिस्टम में, उसके लैपटॉप में, उसके बाद भी उसको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिली हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में मोबाइल्स में आजकल वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उनके पास ये मतलब क्वेरी थी कि क्या हम ये जो पेन ड्राइव कोर्स, जी ड्राइव कोर्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं, हम लोग क्या इसको अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं? तो देखिए, मोबाइल फ़ोन्स पे अगर हम जाते हैं, तो मोबाइल फोर्स में जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं, उनका डिफरेंट आर्किटेक्चर है, ठीक है, उनके ओएस डिफरेंट है, कहीं पर आपको एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, कहीं आपको यहाँ पर आईओएस देखने को मिलेगा, तो डिफरेंट यूजर्स हैं, और साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर है जितने भी मोबाइल्स हैं उनका, वो सब डिफरेंट है। तो हर एक मोबाइल कंपनी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है, जो वीडियो प्लेयर है, इसको डिज़ाइन करना, उसको हर एक सिस्टम के कंपैटिबल बनाना जो है, वो बहुत हम लोग के लिए टफ हो जा रहा था। तो हमने यहाँ पर सोचा कि जो मोबाइल वाली जो डिवाइसेस और इसकी प्रॉब्लम भी बहुत होती है, ठीक है, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया कि मोबाइल के साथ अगर हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रॉब्लम्स हम लोगों को लगा कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ ही जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी की मोबाइल में एंड्रॉइड फ़ोन है, वो आपका बहुत अच्छे से रन करा, और हो सकता है आपका एक फ्रेंड जिसके पास किसी दूसरे कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, तो हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम दे दे। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहते थे, एश्योरिटी चाहिए थी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दैट्स व्हाई यहाँ पर फिलहाल हमने मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है, उसको मोबाइल में एक्सेसिबल नहीं बनाया है, लेकिन आप उसको अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने टैबलेट से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विंडोज़ मोस्टली आप लोग यूज़ करते होंगे। तो जो भी विंडोज़ वाले आपके पास डिवाइसेस हैं, जिसमें विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10 वगैरह आपके पास हैं, वो आप आराम से वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल की जो क्वेरीज थी, यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ें आप लोगों को डाउट था वो क्लियर हुआ। कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है, क्या वो इसमें कवर किया गया है? देखिए, अगर आप पहले कोई एग्ज़ाम अपीयर किए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए, लाइक गेट और आईएएस, अगर आप दोनों एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको इतना आइडिया होगा कि दोनों का जो सिलेबस है उसमें बहुत कम डिफरेंस है। एक आध सब्जेक्ट जो है या कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो थोड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं आईएएस में, लेकिन
मेजॉरिटी जो है सिलेबस की गेट की एंड आईएएस की वो सिमिलर होती है। तो अगर आप पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स जो खरीदते हैं मैकेनिकल सिविल के लिए, तो उस कंडीशन में आपका एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आईएएस में देखने को मिलते हैं, जो बाकी का पोर्शन है जो मेजरली गेट के सिलेबस में नहीं है उससे उतना कवरेज भी नहीं देखने को मिलता। अगर आप इतना पोर्शन ही अगर कवर कर लेते हैं जो कि गेट के सिलेबस में है, तो आपके आईएएस के प्री के एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो नो डाउट अगर आप आईएएस के लिए प्लान रखे हैं तो आईएएस का कोर्स आप कवर कर सकते हैं, बट मेजरली यहाँ सिर्फ टेक्निकल कोर्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है उसमें हम लोग आपको जो टेक्निकल डोमेन है आपके सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो प्रोवाइड करें। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री एग्जाम में आपके एक नॉन टेक्निकल का भी पेपर होता है, ठीक है। तो उस नॉन टेक्निकल पेपर के जो सब्जेक्ट है, डिफरेंट एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है, सेफ्टी का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हम लोग यहाँ कवर कराएं, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो मेजर टारगेट है वो गेट एंड पीएसयूज के एग्जाम्स पर है, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल डोमेन अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नो डाउट आप पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स खरीद सकते हैं, चाहे आप अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी क्यों ना करो। सो आई होप जो मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया है यहाँ पर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उसे रिजॉल्व करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।